असम में बाढ़ की स्थिति आज भी गंभीर बनी हुई है। बाढ़ के कारण करीब 28 जिले के 23 लाख आबादी प्रभावित हुई है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से अधिकतर नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर जा चुका है। बता दें कि इस साल भूस्खलन और तूफान में मरने वालों की संख्या 78 थी, जिसमें से 66 लोग सिर्फ बाढ़ में मारे गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस दौरान सोमवार को सिलचर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मणिपुर जाते समय कछार जिले के फुलेर ताल में बाढ़ राहत शिविर का भी दौरा किया। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि बाढ़ प्रभावित जिलों में सभी राहत शिविरों की अच्छी तरह से देखभाल की जा रही है और स्थिति सामान्य होने तक उनमें पर्याप्त आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध है। धुबरी में सबसे अधिक 7,54,791 लोग प्रभावित हुए हैं। इसके बाद कछार में 1,77,928 और बारपेटा में 1,34,328 लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। कुल मिलाकर 53,689 लोगों ने 269 राहत शिविरों में शरण ली है, जबकि 3,15,520 गैर राहत शिविरों में रहने वालों को राहत सामग्री प्रदान की गई है। बता दें कि अब तक ब्रह्मपुत्र नदी नीमती घाट, तेजपुर और धुबरी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। असम में भी कई नदियां खतरे के निशान को पार कर बह रही हैं, जिसमें खोवांग में बूढ़ी दिहिंग, शिवसागर में दिखो, नांगलमुरा घाट में दिसांग, नुमालीगढ़ में घनसरी, धर्मातुल में कोपिली, बारपेटा में बेकी, गोलकगंज में शंकोस, बीपी घाट में बराक और करीमगंज में कुशियारा शामिल है।